राम राम जी, आप सभी का स्वागत है दादाजी का ढाबा में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर ढाबा स्टाइल। ये मटर पनीर बहुत बेहतरीन बनता है और हम कम खर्चे में बढ़िया मटर पनीर बना के लोगों को देते हैं। ये देखिए, हम एक पतीला लिए हैं और उसमें 250 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाले हैं। ये गैस हमारा बड़ा वाला है तो हम लोग का खाना ज़्यादा बनाना होता है तो इससे बड़ा गैस चाहिए होता है। ये कमर्शियल गैस है और आप लोग जो यूज करते हैं वो डोमेस्टिक होता है, तो इससे हम लोग का खाना जल्दी बन जाता है। इसमें हम एक बड़ा चम्मच जीरा डाल दिए हैं। और ये देखिए, 50 ग्राम कटा हुआ हरी मिर्च डाल दिए हैं। और इसका जो फ्लेम हम रखे हैं ना वो लो ही है, फ्लेम लो से मीडियम है, ज़्यादा हाई पर नहीं हम तड़का मारेंगे। तो ये देखिए, आधा किलो प्याज डाले हैं। ये आप चाहे तो प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं और काट के भी डाल सकते हैं। काटे तो महीन महीन काटे, जो चॉपिंग करते हैं तो महीन महीन करेंगे। और ये देखिए, अदरक लहसुन का 50 ग्राम हमने पेस्ट डाल दिया है। अब इसको मिला देंगे हम। और इसमें हम आधा किलो टमाटर प्यूरी करके डाले हुए हैं। ये देखिए, तो आप मतलब ये सारा प्याज टमाटर को इकट्ठा भी प्यूरी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं और एक को ना भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, ये हमने 2 स्लाइस लिया है, 2 ब्रेड पीस, उसको भिंगा के मिक्सी जार में पीस के उसको भी डाल दिया है। ये सस्ता जुगाड़ है मतलब। ये देखिए, अब पनीर को हम काट देते हैं। जो ब्रेड पीस हमने डाला है इसके जगह हम मक्खन और मलाई भी डाल सकते हैं, तो उससे कॉस्टली हो जाता है और ढाबा में हम लोग को 12 नहीं खाता है। इस वजह से हम लोग बनाते हैं सस्ता जुगाड़। देखिए, सस्ता हमने सारा सामान आपको सस्ता बताया है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना होता है, प्याज टमाटर की क्वांटिटी और अदरक लहसुन क्वांटिटी ठीक ठाक रखना होता है। और देखिए, ये हमारा मसाला है, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 बड़ा चम्मच ये हमने हल्दी पाउडर दिया है। और इसके साथ ही हम 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला दे देंगे। इसमें कोई हमें MDS वगैरह मसाला नहीं डालते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर टमाटर प्याज और अदरक लहसुन की क्वांटिटी ठीक ठाक रखेंगे ना तो आपको ये MDS का मसाला, किचन किंग, ये सब कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है। ये देखिए, हमने मसाला इसमें मिला दिया है और इसको भी बढ़िया से लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको अभी भून लेंगे। अभी देखिए, अब हम जो जो मटर यूज करते हैं ना वो सफल का मटर होता है, यानी कि फॉर्जन मटर, तो ये सालों भर फ्रिज में रखा होता है, तो इस वजह से हम इसको भून के, हम लोग भून के इसको लगाते हैं। देखिए, ये हमने 100-150 ग्राम में करीब तेल दे रखा है कढ़ाई में और हमारा ये हमने इसमें फ्रोजन मटर डाल दिया है और इसको हम 5 मिनट भून देंगे लोई पे। तो हम जो बता रहे हैं आपको ये भूनने का तरीका, ये मतलब हम लोग का हाई फ्लेम होता है, मतलब आपको बताया था कि ये कमर्शियल सिलेंडर होता है और गैस होता है और आप लोग का होता है वो डोमेस्टिक होता है, तो हम लोग जल्दी बना देते हैं। इस वजह से आपका थोड़ा टाइम इससे ज़्यादा जाएगा। जैसे कि हमने बनाया इसको 5 मिनट में, आपका 7 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है, लेकिन बनेगा आपका भी टेस्टी। ये देखिए, हमारा मटर भून गया है। आप चाहे तो इसमें हमने जहां ब्रेड पनीर डाल दिया, हमने जहां आप ब्रेड पीस हम डाल दिए हैं तो वहां पे आप डाल सकते हैं मलाई, क्रीम, मक्खन, तेल का जगह मक्खन डाल सकते हैं, तो कॉस्टली हो जाता है, वो ढाबा लोग डालते नहीं है। देखिए, हमने भूजा हुआ मटर इसमें ऐड कर दिया है और ये हमारा मटर पनीर। ये देखिए, पनीर और मटर की जो क्वांटिटी है इसमें दोनों, ये आधा आधा किलो पनीर और मटर की क्वांटिटी है। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें, हमारा ढाबा छोटा ही है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी आधा किलो कभी 1 किलो बनाते रहते हैं। और ये जो हमने ऐड किया है ये चावल का पानी यानी कि माड़ है और ये आपको ऐड करना होता है। इसमें आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, वो कॉस्टली अपने कॉस्ट के हिसाब से जैसे आपको बनाना है। मैं आपको सारा तरीका बता दिया और जो भी आपको समझ में नहीं आया हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हम इसके जगह क्या डालिए। स्वाद अनुसार नमक भी इसमें डाल दिया हमने, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा तो हम बताएंगे आपको।
ये देखिए हमारा मटर पनीर तैयार हो गया है, और ये बहुत सारा इसमें धनिया पत्ता हमने डाल दिया है। अगर हमारी ये मटर पनीर की ढाबा स्टाइल रेसिपी पसंद हो आप लोगों को तो इसे लाइक करें, और अगर हमसे कुछ पूछना हो इस मटर पनीर के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर और नई रेसिपी बनवाना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी।